इस तरह से हमारा पैकेज आया है अमेज़ॉन से। इसके अंदर है हमारा हीटर, चलिए इसे निकाल के देखते हैं। ये हमने हटाया थर्मोकोल का पैकेजिंग, अब इस हीटर को निकालते हैं अंदर से। ये हीटर इस तरह का दिख रहा है, इसको प्लास्टिक का कवर है, इसे हटाया जाए। ये उसके ऊपर टच सेंसिटिव बटन्स हैं, और ये हीटर ग्रिल है, इसके अंदर हमें वो हीटिंग कॉइल्स दिख रहे हैं जो हनीकॉम स्टाइल में अरेंज्ड हैं। ये हीटर का फ्रेम है, ये बीच से हीटर अटैच्ड है जिसकी वजह से हम इसे डिफरेंट एंगल पर रख सकते हैं। ये हीटर के पीछे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कंपनी नेम कितने वाट का है, ISI मार्क सब कुछ मेंशन्ड है, मेड इन चाइना। ये नीचे में इसका ऑन ऑफ का बटन है। चलिए, और इस हीटर के साथ रिमोट भी आता है, इस हीटर को हम रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। साथ में कुछ यूज़र मैनुअल है। चलिए इस हीटर को ऑन किया जाए। LED डिस्प्ले है, एक बार प्रेस किया हीटर ऑन हो गया। इसका फैन ऑन हुआ है, अभी हीट नहीं कर रहा है। इसका हीटिंग ऑन करने के लिए एक सन टाइप का टच सेंसिटिव बटन है, उसको दबाना होगा। एक बार दबाने से 1000 वाट पे चलता है, दूसरी बार दबाने पे 2000 वाट से चलता है। इस हीटर में स्विंग मोशन भी है, उसे भी देखते हैं। देखिए इस तरह से घूम रहा है, वापस प्रेस किया इसको, हाँ अब देखिए ये वापस घूमने लगा। इस तरह से घूम घूम के चारों डायरेक्शन में रूम को गर्म कर सकता है। इसमें टाइमर की सेटिंग भी है, हम 12 घंटे तक का टाइम सेट कर सकते हैं। जितनी देर का टाइम सेट किया उतनी देर बाद हीटर अपने आप ऑफ हो जाएगा।